हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग लेके आपके लिए ओनर रिव्यू वरना का, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, SSX 1.5 लीटर टर्बो। सर से बात करेंगे, उनको कितने की पड़ी और क्या वेटिंग है गाड़ी में और क्या माइलेज दे रही है, इन सब के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। वीडियो बिल्कुल डिटेल में रहने जा वाली है। जो भी सोच रहे हैं वरना को लेने के लिए, उन सब के ऊपर मैं बात करेंगे। और देखिए, सर का जो नंबर भी है वो VIP रहने वाला है, 786 नंबर भी VIP है। अब बात कर लेते हैं हम अपने सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर, अपना इंट्रोडक्शन दे सर? दीजिए। मेरा नाम साजिद अहमद है, सर गेट नोएडा से। जी ग्रेट नोएडा से। सर जी सर, क्या बिजनेस है अपना? मेरा अपना रियल इस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट का बिजनेस है। या। सर, सबसे पहली चीज कि आपने वरना ही क्यों ली वरना और से कंप्यूटर छोड़ के? कुछ पहले लगाव है, हाँ, पहले भी वरना थी मेरे पास, और जो इसका ड्राइविंग का मजा है वो किसी और सेगमेंट में मुझे लगा नहीं। जैसे इसकी वर्टिस आती है VW की, और आपकी स्कोडा की जो स्लावी आती है होंडा सिटी, इनमें से आपने कोई ट्राई भी वो नहीं की? इसमें ट्राई नहीं की मैंने, क्योंकि तो आपने मैंने एक पहले बार वरना ट्राई भी पहले ही वरना चलाई थी, यार दोस्तों की मैंने चलाई, लेकिन वो फील नहीं आया मुझे उसमें। वो फील नहीं आया जो फील इसमें गाड़ी में वो तो किसी में मतलब नहीं ऐसी आया। क्या चीज इसमें जो उनमें नहीं आपको फील एक तो हुआ? स्मूथनेस इतनी है, हाँ, उन गाड़ियों में इतना फील नहीं आया उन गाड़ी स्मूथनेस के मुकाबले जितना मतलब इस गाड़ी स्मूथ में अच्छी है। स्मूथनेस अच्छी है। और फिर इस वेरिएंट में जो इन्होंने निकाला हुआ है हाँ, टॉप मॉडल में भी, एक तरह से स्पोर्ट्स कार है। स्पोर्ट्स कार है कौन सा आपका? 1.5 लीटर टर्बो है, टर्बो है ये। टॉप एंड वेरिएंट लिया है आपने, है। तो सर ये कितने का पड़ गया आपको? ये समथिंग 20 लाख का। 20 का जी। तो आपने 20 के आसपास बजट मतलब अपना लगाया इस गाड़ी में, तो आपको ऐसा लगता है कि वर्थ रखता है? डेफिनेटली इतना वर्थ है इसका। तो ऐसी क्या चीज लगी कि आपको गाड़ी के इसमें ऐसा लगता है कि 20 लाख रुपए वर्थ है? गाड़ी का जितने इसके फीचर्स दिए हैं और लुक वाइज दिया है, ये अगर देखा जाए तो हमारा ये सारे फीचर्स और लुक वाइज आपका करीब करीब 30-40 लाख की रेंज में जाकर के निकलता है ये, जैसे प्रीमियम कार्स। प्रीमियम कार्स में हो गया। हाँ, जैसे आप अभी कह रहे थे कि इसका अगर लोगो हटा दिया जाए और प्रीमियम गाड़ी किसी का BMW मर्सिडीज से लगा दो तो कोई कह नहीं सकता। नहीं, आप वो भी नहीं लगाओ तो आप जो देखने वाला यही बोलेगा कि BMW है या ऑडी में से कोई सी गाड़ी, ये इसकी खास बात है। और आप, मैं एक बार आपसे जब मिला था पहली बार, तब ऐसा मैंने सुना भी था कि साथ वाले कह रहे थे आपको कि हाँ गाड़ी बहुत अच्छी है, तो आपके साथ पहले कभी एक्सपीरियंस ऐसा कुछ? ये मोस्टली होता है मेरे साथ में जब से मैंने गाड़ी ली है, और जब स्टार्टिंग में ली थी तो लोग बाग देखते थे कि कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है। हाँ। तो मतलब ऐसा स्पेशल वाली फील तो आती है, स्पेशल वाली फील आती है, और वो उस रेंज में जाकर के, कम रेंज में जाकर के, वो बड़ी वाली रेंज आती है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वरना मैंने देखा है लोग करोड़ों भी खर्च कर दे, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। तो मतलब आपको कुछ अलग ही फील आता है? अलग फील आता है, अलग फील आता है, एक प्रीमियम फील आती है कि हाँ कुछ गाड़ी ली है, कुछ गाड़ी ली है। हाँ ये, और इसका नंबर भी देख पा रहे हैं हम, 786 नंबर भी आपने VIP लिया है। जी, जी। तो सर, इससे पहले जो आपके पास वरना थी वो भी पेट्रोल वेरिएंट थी? नहीं, वो डीजल वेरिएंट में, डीजल वेरिएंट थी। तो वो कितनी चला दी सर आपने? वो करीब करीब मैंने चलाई थी 2.25 लाख। 2.25 लाख? हाँ जी। कितने टाइम चला के बेचते हो? वो मैंने 10 साल होने वाले थे इसके सितंबर में ही। 10 साल मतलब वरना से प्यार है आपको पहले से? हाँ, वरना से। इसीलिए कोई कंप्यूटर ट्राई नहीं किया? जी। तो बहुत अच्छी चीज है सर। सर, बाकी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए गाड़ी। परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। और अगर आपकी 140 150 150 भी जा रही है ना गाड़ी, तो वो आपके कंट्रोल में रहेगी, मतलब स्टेबिलिटी अच्छी है। हाँ, वो बेहतर है। और सबसे खास बात इसकी है कि अगर आप बाई चांस अगर आप चल रहे हैं, आपकी स्पीड 100-125 की भी स्पीड पे है, और आपका कभी कभार ऐसा होता है ना कि फोन पर आप लगे हुए हैं और ध्यान रोड से हट जाता है, और अगर कोई सामने आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक ले लेती है। हाँ, इसमें एडास है, एडास है सिस्टम है। तो मतलब एडास सही काम करता है कि सर? बढ़िया, एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। इसका लेटेस्ट है एडास जो है, जो कि अभी जो मैंने सुना है वो भी किसी और दूसरी गाड़ी में लेटेस्ट और गाड़ी में नहीं है। रिडार सिस्टम है इसमें, जैसे होंडा सिटी में आती है कैमरा रेड, वो एडास सिस्टम है, इसमें रिडार वाला दिया है, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट रहता है, ज्यादा एक्यूरेट रहता है। बाकी इसके सस्पेंशन कैसा लगा आपको? खड्डे वड्डे गाड़ी? वो भी बेहतर है, वो भी बेहतर है। हाँ। बाकी आजकल आपको पता होगा जैसे वो SUVs का ट्रेंड चल रहा है, तो आपने कैसे सेडान्स के लिए? एक्चुअली जो फीलिंग सेडान में आती है ना, वो SUV में नहीं आती, SUV में नहीं आती। और SUV आज की डेट में रोड पर हर तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, अगर 10 में से काउंट करें 8-9 गाड़ी SUV है। सेडान में वही है जो उसके टेस्ट को जानता है। मतलब एक तरीके से आप परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, है ना? तो परफॉर्मेंस जो पसंद करेगा वो सेडान ही लेगा, सेडान ही लेगा वो। हाँ, तभी मैंने भी इस देखा कि आपने सेडान लिए, वरना आजकल के टाइम पे तो सब लोग SUV ले जा रहे हैं, डेढ़ चाल है कि ले लिए। हाँ,
हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तरीके से आप जानते हो 5 सीटर में अगर एसयूवी ले रहे हो तो प्रैक्टिकल यूज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताइए। ग्राउंड क्लियरेंस पहले के मुकाबले ठीक है। हाँ, गाड़ी ऐसे नॉर्मल टच नहीं होती। हाँ, वो टच नहीं होती, इतनी इजीली टच नहीं होती, वो इन्होंने ठीक रखा हुआ है। हाँ, पहले के हिसाब से भी। तो सर ये आपने चला कितनी थी गाड़ी? ये मेरी करीब करीब 6700 चल गई है। 6700 चल चुकी है। तो सर इतने टाइम में माइलेज क्या दे रही गाड़ी? माइलेज जो है अगर हाईवे पे मैं इसको काउंट करूँ, जैसे कि अभी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के गया हुआ था काम पे, तो वहाँ पर इन्होंने 18-20 की रेंज निकाली थी। 18-20 की देती है। जयपुर हाईवे पर इन्होंने 18-20 का इन्होंने निकाल दिया था। अगर मीटर पर शो करें तो ये 20 प्लस में भी जाती है। 20 प्लस में भी जाती है, मीटर पे जो दिखाता है। अगर मीटर पर शो करें मतलब मीटर और ये दोनों में डिफरेंस रहता है। हाँ, थोड़ा सा बस अगर कैलकुलेशन अगर हम जितना टैंक फुल कराने के बाद में एवरेज अगर निकालो उस रेंज में, और मीटर के अकॉर्डिंग 20 प्लस ही है हाईवे पर। तो 20 प्लस ही है तो एवरेज तो काफी अच्छा है अगर हाईवे पे देखा जाए। हाँ, वो पेट्रोल के हिसाब से जो और गाड़ियों के मुकाबले जो पहले रहता था कि भाई 8, 10, 9, 10, 11, 12 की रेंज का था, लेकिन इस गाड़ी का 13-14 तो नॉर्मल है। मतलब परफॉर्मेंस भी है गाड़ी की और एवरेज भी, दोनों चीज मिल रही है आपको गाड़ी से। बाकी एक चीज बताइए आपको लोकल में क्या एवरेज है इस गाड़ी का? लोकल में 12 से 14 की रेंज का, 12 से 14 का देता है तो भी अच्छा है। 12 से 14 भी लोकल में अच्छी है। और इतने टाइम में आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा गाड़ी के साथ? एक्सपीरियंस जो मुझे इसका अच्छा लगा, एक तो राइड का कि आप इजीली स्मूथली राइडिंग है इसकी। दूसरा सेफ्टी पॉइंट से, जो इसमें एडास के जो फीचर्स हैं वो सेफ्टी पर्पस से भी बेहतर है, और एक जो लॉ के हिसाब से चलने का सिस्टम वो भी बेहतर है। बिल्कुल, कि आपको एक लाइन भी अगर एक लाइन में चलना था वो आपको एक ही लाइन में लेके चलेगी। तो अभी आप हाईवे पे जैसे बता रहे थे जयपुर हाईवे पे गए थे, तो टॉप स्पीड आपने कितनी तक गाड़ी चला के देखी है? देखिए टॉप स्पीड इसकी जो मैंने चलाई है वो करीब करीब 140 के आसपास की चलाई है। 140 चलाई है, ये तो गाड़ी तो यार ऊपर 200 के आसपास जाएगी। तो मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है गाड़ी में, कोई भी किसी तरह की कंप्लेंट नहीं है गाड़ी में ना। 5 से 6 सेकंड में 100 क्रॉस कर जाती है। 5 से 6 सेकंड में 100 क्रॉस कर देती है। इसमें ये जैसे आपका टॉप एंड वेरिएंट 1.5 टर्बो है, तो इसमें ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, अंदर रेड कैलिबर्स दे रखे ना ब्रेक के। जी जी जी। बाकी आप ये बताइए मुझे कि इसमें आपको इतने टाइम में सबसे बेस्ट चीज वो इसकी परफॉर्मेंस ही लगी कि और कुछ चीज भी आपको जो पसंद आई है? परफॉर्मेंस भी है, और फिर जो इसमें बैठने का भी जो फीलिंग है वो अलग ही फीलिंग है। अलग ही फीलिंग है, कंफर्टेबल एकदम। कि अगर आप बैक सीट पर भी बैठे हुए हैं तो आपको फील ये होगा कि आप घर के सोफे पे बैठे हुए, ड्राइंग रूम में बैठे हुए, घर के सोफे पे बैठे हैं, इतना लेग स्पेस है। एक बार बैठ के आज देखते हैं गाड़ी में पीछे, इंटीरियर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है गाड़ी में, आगे लेग रूम भी काफी ज्यादा है। ये है कि बैठने के बाद बैठे हैं और कितना लेग रूम आगे बच रहा है इनके लिए, और ऊपर हेडरूम भी अच्छा खासा है, और हैंडरेस्ट काफी अच्छे तरीके से, मतलब कंफर्ट के लिए भी पीछे सोचा है, बहुत परफॉर्मेंस के साथ साथ कंफर्ट भी है गाड़ी। जी जी। इधर ये आपके एसी वेंट्स मिल जाएंगे, और ये 2 सी टाइप पोर्ट्स दे रखे हैं। अब एक बार हम आगे बैठ के देखते हैं गाड़ी में। अब इस गाड़ी का इंटीरियर देखिए आप, जो इसमें ये टॉप एंड वेरिएंट में, टॉप एंड वेरिएंट में ही राइड ट्रीटमेंट मिलता है ना सर? हाँ जी हाँ जी। जो राइड स्टिचिंग हो रखी है इसके स्टीयरिंग पे, सीट कवर पे, ये काफी अट्रैक्टिव लग रही है। बाकी आपको इसकी एसी कूलिंग कैसी लगती है गाड़ी की? एसी की कूलिंग जबरदस्त है, जबरदस्त है। एक चीज मुझे थोड़ी सी बस इस गाड़ी में लगती है कि जो इसका ये डिस्प्ले दिया है वो थोड़ा सा ड्राइवर के लिए सोच के लिए है। बिल्कुल। सर ये बाकी इसकी यहाँ पे 3 लाइट्स आ रही थी जी जी सीट बेल्ट की, ये कैसे? वो बैक की सीट बेल्ट का है, तो बैक की सीट का भी वार्निंग देता है यहाँ पे, वो वार्निंग देता है कि अगर आप पीछे बैठोगे तो वो बेल इसकी बजने लगती है, आपको इंडिकेट करती रहती है कि आप सीट बेल्ट लगाइए, बैक साइड सीट बेल्ट लगाइए। जी तो मतलब कि इसमें सेफ्टी के लिए काफी ध्यान दिया गया है। इसमें एयरबैग्स कितने मिल जाते हैं? 6 एयरबैग है, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। और ये कैसे, ये क्या दे रखे हैं इसमें? ये आपके गाड़ी को टो करने के लिए है, ये इमरजेंसी कॉलिंग के लिए है, ये आपके बिलिंग के वो है सिस्टम जो आपको नेट से कनेक्ट रहता है, ये पूरी गाड़ी नेट से आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, बाहर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये धूप में गाड़ी खड़ी हुई है और आपको इस गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आप अपने ऑफिस से या घर से अंदर से ही स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी, अंदर से स्टार्ट कर सकते हैं और वहीं से ये सी स्टार्ट कर सकते हैं आप इसका। सर बाकी ये सनप्रूफ भी है इस गाड़ी वेरिएंट में, वन टच सनप्रूफ है इसका। और बाकी आप इसके जो टू
टू स्पोक जो स्टेयरिंग व्हील है ये आपको कैसा लगता है, थोड़ा यूनिक है इससे पहले तो? हाँ, उससे पहले जो एक्चुअली क्या है, स्पोर्ट्स व्हील दिया हुआ है इन्होंने कि आप जो स्पोर्ट्स में होता है कि ज्यादा कंजेस्टेड ना हो, उस हिसाब से दिया हुआ है इन्होंने, जो ओपन ओपन जो रखता है सारा, और सारा ही आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, सारे कंट्रोल कर सकते हैं, टोटल आप यहीं से गाड़ी को इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ये वायरलेस भी चार्जिंग हो जाती है और आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये जी जी जी। तो आपने इसका मैनुअल वेरिएंट ट्राई किया था कि? वो ट्राई किया था मैंने, लेकिन मैनुअल जो था उसके मुकाबले तो कहीं लाख गुना ज्यादा बेहतर बनती है। तो इस वाले टॉप एंड वेरिएंट में मैनुअल वेरिएंट आता है क्या? इसमें टॉप वेरिएंट आता है, मैनुअल में आता है, मैनुअल में आता है। तो मतलब फिर आपने, उसमें फीलिंग नहीं आती, उसमें फीलिंग नहीं आती, उसमें फीलिंग वही गियर वाला वो सिस्टम रहता है, फीलिंग इसमें यही पता नहीं चलेगा कि आपको कि आप कौन से गियर में गाड़ी चल रही है आपकी, इजीली आपके उसी के अकॉर्डिंग चलती रहती है। बाकी हम लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो हमारे लिए ऑटोमेटिक तो ही ट्रैफिक आपको पता है। उसके हिसाब पहले मेरे पास टॉप में ही मैनुअल थी तो बड़ी परेशानी होती थी उससे, ट्रैफिक में पैर में दर्द हो जाता, पैर में दर्द, लेफ्ट हैंड पैर में इसमें दर्द रहता था, और कभी क्लिच को दबाना, गियर ब्रेक प्रेस करना, तो वो सारा सिस्टम रहता था, उससे बड़ी परेशानी होती थी, इसी वजह से मैंने ये ऑटोमेटिक ली थी, तो बड़ी स्मूथ है। हाँ, ये चीज तो है। बाकी सर इसका जो भी लुक आया था इसमें थोड़ा यूनिक कर दिया, इससे पहले ये बिल्कुल ही इसमें लाइट्स दे दिए बम्पर में, स्लीक एलईडीज है, तो लोगों का काफी मिक्स रिव्यू था, कई लोगों को पसंद आ रही थी, कई लोगों को बोला कि प्रीमियम पहले वाली ही वरना जो थी वो अलग लेवल की थी। तो सर आपका क्या कहना था उस चीज के ऊपर? क्या है कि अब वो जनरेशन के हिसाब से इन्होंने चेंज की है, नई जनरेशन को आपको ये चीजें पसंद आती है, और फील जो है जब चलाने के बाद में जो अगर हमारी एज के देखें तो हमारी एज को जो ड्राइविंग है स्मूथनेस है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, और नई जनरेशन को ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जो भी जो आजकल की जनरेशन के वो पुरानी गाड़ी को भी ले जाकर के मॉडिफाई कराते हैं, करोल बाग वगैरह जितने फीचर्स के लिए, और सिर्फ इन्हीं लाइट की वजह से, इन्हीं सब चीजों की, तो वो चीज ने हुंडई ने समझा उसको कि नई जनरेशन को भी इसमें ऐड कर दिया है, प्लस 40 प्लस वालों को भी इसमें ऐड कर दिया है, दोनों लोगों को उसमें, मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक डिजाइन कर दिया, बिल्कुल एलिमेंट चेंज कर दिया बिल्कुल। बाकी सर एक बार इसका बूट स्पेस और देख लेते हैं लास्ट में। बिल्कुल, बूट स्पेस काफी ज्यादा बड़ा है, ये देखिए इसमें मेरे को लगा 3-4 लोग आराम से आ जाएंगे, बिठा दो तो टायर वगैरह पता भी नहीं लगेगा, काफी बूट स्पेस है, तो मतलब इसमें लगेज भरने से पहले सोचना भी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सोचने की जरूरत नहीं कि आपको 3 बैग लेने हैं, 4 बैग लेने हैं या 5 बैग लेने, वो इजीली है, अपनी ट्रिप डिसाइड करो, और ये लगेज की सबसे बड़ी टेंशन होती है लोगों के लिए आजकल के टाइम पे, क्या है जो अपनी जो क्रेटा ये सब आ रही है इनमें बूट स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं, 5 सीटर बताओ फिर किस यूज की है, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें 5 सीटर में है ही नहीं, जितना इसमें बूट स्पेस है आप इसमें कितना ही लगेज डाल सकते हैं। अब इसमें दोनों चीज मिल जाएंगे हमें, 5 सीटर में बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा, जी जी जी, 5 लोगों का लगेज में कोई इशू नहीं है, इजीली। बाकी धन्यवाद भैया, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।